गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का तो आपने टाइटल पढ़ ही लिया, आज का व्लॉग किस चीज़ में बारे में है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम मोटो व्लॉग कैसे करते हैं। मेरा यार थोड़ा सा गला ख़राब है, इसीलिए शायद आपको मेरी वॉइस में चेंज आ रहा होगा, बट अब मैनेज कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे हम मोटो व्लॉग करते हैं। तो लास्ट वीडियो तो आपने देख ही ली कि मैं R15 की प्लानिंग कर रहा हूँ और मैंने बस बुकिंग करवा देनी है। पर मैं बुकिंग से पहले ना एक बार ना जो V3 है उसकी टेस्ट राइड लेना चाहता हूँ, हमारे रजत भाई के पास है। और हम शायद इस वीक या नेक्स्ट वीक में ना एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मसूरी का शॉर्ट ट्रिप होगा, बेसिकली 3-4 डेज का, ज़्यादा नहीं होगा। और मैं चला के भी देख लूँगा यार कि मुझे कम्फर्टेबल है, क्योंकि यार आपको पता ही उसका जो राइडिंग पोस्चर है वो बहुत अग्रेसिव है। तो बस यही है कि अरे इतने पैसे भी लगाएं और कंफर्टेबल भी ना हो बाइक तो फिर क्या ही फायदा है। तो बेसिकली मैंने अभी तक इतना ज़्यादा R15 चलाया नहीं है। तो हाँ, ये मेरा ड्रीम बाइक है, आप में से भी बहुत लोगों को होगा ये ड्रीम बाइक। ये जब V1 आया था ना, ये तभी से मेरा ड्रीम बाइक है। तो चलो देखते हैं, प्लानिंग तो है अभी लेने की, बाकी शॉर्ट ट्रिप लगा लेंगे इस बाइक पे और पता चल जाएगा कि ये मेरे टाइप का बाइक है और नहीं। तो बस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम मोटो व्लॉग कैसे करते हैं। यार मोटो व्लॉगिंग के लिए मुझे बाइक तो चाहिए ना, अगर R15 सूट ना किया तो फिर हम KTM की ओर देखते हैं या कोई और देख लेंगे, पल्सर देख लेंगे जो उनका RS 200 है। तो जैसे भी होगा आपको आगे पता चलता ही जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो फिलहाल तो इसी वीडियो पर स्टिक करते हैं और दिखाते हैं आपको तो दिखाते हैं आपको कि हम कैसे मोटो व्लॉग कर सकते हैं। तो जैसे कि मोटो व्लॉगिंग के लिए, ठीक है, मोटो व्लॉगिंग के लिए यार हेलमेट तो देखो मस्ट ही होता है बाइक के लिए, है ना। तो हेलमेट तो आपके पास सभी के पास होगा ही, और हेलमेट के बिना क्या क्या चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार इसको साइड रख लेते हैं, ये रख दिए। और उसके अलावा हमें चाहिए होता है GoPro, ये मेरे पास Hero 8 है, और एक और GoPro है, और ये रहा, ये 5200 है, सोको कंपनी है, कोई चाइनीज़ कंपनी है ये उसका है, ठीक है। ये दो मेरे पास GoPro है। Hero 8 का तो आपको सभी को पता ही होगा यार, ये बहुत कॉस्टली होता है और इसकी एक्सेसरी भी बहुत कॉस्टली होती है। इसका माइक अडेप्टर जैसे हो गया 4-5 हज़ार का, तो माइक अडेप्टर ही होता है, फिर उसके साथ माइक हो गया, और इसकी बैटरी भी कितनी कॉस्टली होती है, ठीक है। और ये सस्ते वाला है, ये आई थिंक 7-8 हज़ार का था जब मैंने लिया था। इसकी एक्सेसरी भी, इसकी एक्सेसरी में कुछ नहीं है, इसमें देखो ये टाइप जो बी है, ये मिनी टाइप बी, ठीक है, इसके इसमें ही लग जाता है, ये इसमें ही हमारे पास ये इसका माइक है, ठीक है, ये माइक है, और इसकी ये बैटरी है, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही चाहिए यार, कोई ज़्यादा इसके कोई सीन नहीं होता, जैसे इसमें तो बहुत बड़ा सीन होता है ना, इसमें कोई सीन नहीं है, बस ये दो चीज़ें चाहिए और काम ख़त्म आपका। और इसके बिना ये हेलमेट माउंट हो गया, ये हेलमेट माउंट हो गया, और ये जेब माउंट हो गया। जेब माउंट तो आपको पता ही है यार, बहुत काम की चीज़ होती है जेब माउंट। तो बस ये हम लगाएंगे हेलमेट के ऊपर, और उसके ऊपर ये लगेगा, और इस पर लग जाएगा GoPro लग जाएगा, और बस यही है। हाँ बस फिलहाल तो यही है, बस आपको मैं सेटअप करके दिखाता हूँ कि हम इसको कैसे सेटिंग करते हैं, कैसे माइक कहाँ पर रखना चाहिए जिससे कि विंड नॉइस कम हो, वो सभी मैं आपको हौली हौली बता देता हूँ कि कैसे करना चाहिए। और एक चीज़ और यार, क्या किसी के पास अगर ये नहीं होता है तो वो क्या करता है कि उसके पास ऐसा कोई माउंट होता है, वो क्या करता है हेलमेट के आगे यहाँ पे, जैसे ये हेलमेट है यहाँ पे, बेसिकली ये भी तो यहीं पर लगता है ना, तो वो क्या करता है कि हम उसे इस ऐसे माउंट को हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर MC लगाकर भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक और हेलमेट है, उसमें मैंने MC लगाई हुई है, पर वो यार ना फिर जब हम ये यहाँ से MC उतारते हैं तो ये चीज़ सारी ख़राब हो जाती है, इसलिए ये सारी 300-400 की चीज़ है, आप यही मंगा लेना, यही बेटर ऑप्शन मुझे लगता है MC की जगह पर। तो चलो अभी हम माउंट करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको लगाते हैं, ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा, ऐसे हेलमेट पे ना ऐसे लगेगा ये, ठीक है, ऐसे लगाते हैं इसको, इसको यहाँ पर लगा दिया, और इसको ऐसे पीछे की ओर, और इसके नीचे ये तनी जो होते हैं ना, ये इसके ऐसे बीच में से ऐसे चली जाएगी अंदर, और फिर ये इसको हम ऐसे लॉक कर देंगे, ठीक है, एक इस तरफ होगी और दूसरी। तो चलो ये अभी अच्छे से टाइट हो गया, ठीक है, ये अच्छे से टाइट हो गया। तो अभी तो बस तो अभी इस पे अभी हम जे माउंट लगाएंगे, ये वाला जे माउंट, तो ऐसे ये देखो जे माउंट भी फिक्स हो गया, ठीक है। अभी हम इस पे GoPro माउंट करते हैं,
GoPro के लिए एक तो ये GoPro चाहिए और एक यहाँ पर एक और माउंट चाहिए, ये माउंट चाहिए ठीक है। और सबसे पहले हम ये माउंट लगा लेते हैं, उसके बाद हम GoPro लगाएंगे। या पहले चलो GoPro ये माउंट हम पहले लगा लेते हैं यहाँ पे। इसको अच्छे से लॉक कर दिया और अब हम इस GoPro को इस केस में डालेंगे। ये यार बहुत ही बजट ये GoPro है, अगर किसी ने स्टार्टिंग करनी है ना जैसे मैंने की है तो उसके लिए ये बेस्ट है ठीक है। जरूरी नहीं यार कि हमें GoPro 8 ही चाहिए, तो ये भी बेस्ट है यार, इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है, अच्छा काम चल जाता है। बाकी आप जब मैं फोटो ग्लो करूँगा तो इसी से करूँगा, आप देख लेना किसकी क्वालिटी क्या है ठीक है। तो चलो अभी हम इसको इसमें डाल के अभी मैं आपको दिखाता हूँ माउंट करके। इसको ऐसे खुल जाता है और ये तो ये बंद हो गया, देखो ये बंद हो गया। तो बस अभी इसको यहाँ पे लगा दिया और इसे भी तो हमने GoPro को माउंट कर दिया। तो अभी बारी है सबसे मेन पार्ट की जो है माइक। तो हमें माइक ऐसी जगह फिट करना है जहाँ से हमारी विंड नॉइस ना आए। तो चलो अभी मैं आपको माइक लगा के दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने अपने पोर्ट में माइक लगा दिया, ये मैंने अपने पोर्ट में माइक लगा दी और इसके नीचे से या तो आप माइक यहाँ कुशन में लगा सकते हो ठीक है, जहाँ से विंड नहीं आएगी, और जहाँ बिल्कुल आप आगे यहाँ पर लगा सकते हो ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा क्योंकि इसमें ये जो मेरी ये स्टिच है ना, जो ये तनिया थी जी, जो ये थी, इसमें मेरा बाइक अच्छे से बैठ जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप MC लगा रहे हो तो आपको यहाँ इसको टेप से लगाना पड़ेगा, पर मैं टेप नहीं, मेरे पास जब ये है तो मैं बस अपना माइक इसमें ही लगा दूंगा। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो मेरा माइक अच्छे से इसमें बैठ गया। तो ये अब बिल्कुल नहीं हिलेगा यहाँ से, क्योंकि इनकी सपोर्ट होगी ना इसको यहाँ से। तो बस चलो अभी मैं आपको तो ये मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया ठीक है। ये मेरा इस GoPro के साथ ये ही था सेटअप। और अगर मैं बात करूँ इस GoPro की, तो जैसे ये है मेरा GoPro ठीक है, इसके साथ तो सबसे पहले ये आपका आएगा 35-40 हज़ार का तो ये कैमरा आएगा ठीक है। और इसके बाद जो इसका मेन जो इससे आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होगी वो होगा इसका माइक अडेप्टर, जो 4-5 हज़ार की रेंज में आता है। जैसे अभी तो अमेजोन पे मैंने देखा था उसका रेट 4500 था ठीक है, तो वैसे उसका जो MRP है वो 5000 के करीब है। तो उसके बाद इसकी एक केस आएगा यूलानजी का, जिसमें वो आपका माइक अडेप्टर फिट होगा और उसके बाद आपको माइक चाहिए होगा, और माइक भी 1000 रुपये की रेंज में आएगा। तो मिला जुला कर आपका इसमें खर्चा होगा 40-45 हज़ार ठीक है। उसके बाद आपको ये आप इससे मोटो ब्लॉग कर पाओगे, पर अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, इतना पैसा आप खर्च मत करो। उसके लिए आपको यही सेटअप ठीक है, ये आपका 10 हज़ार की रेंज में आ जाएगा ठीक है, इतना तो जाएगा यार स्टार्टिंग के लिए। तो चलो फिलहाल तो इसको तो मैं साइड पर रखता हूँ और इसको लेकर चलते हैं हम अपने बाइक पर, और अभी आपको मैं मोटो ब्लॉग करके दिखाता हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सभी, आप सभी अच्छे होंगे। तो ये नेक्स्ट डे और ये देखो सनराइज हो रहा है। तो गांव में रहने के यही फायदे है यार, एक आपको सनराइज भी अच्छे से देख सकते हैं और सनसेट भी अच्छे से दिख जाता है। तो अभी मैं स्कूल जा रहा हूं और आज जो अभी तक तो आपने देख लिया कि हमने GoPro माउंट किया था, तो अभी मैं वोटो ब्लॉग कर रहा हूं। आप देख सकते हो कि एंगल भी ठीक होगा और वॉइस भी ठीक आ रही होगी। एक्चुअली ना अगर थोड़ी बहुत नॉइस आ भी रही होगी तो उसका यही कारण होगा कि मेरे ना जो माइक है वो पुराना है और इसके ऊपर जो वो फर लगी होती है वो ना गुम होगी। तो बस मैं अभी तो स्कूल जा रहा हूँ। कल मैंने यार ना कल शाम को मैंने इसलिए नहीं किया मोटो ब्लॉग क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया था और अंधेरा हो गया था, तो मैंने सोचा यार अंधेरे में क्या ही मोटो ब्लॉग करने का फ़ायदा। तो कल स्कूल जाएंगे और साथ में एक छोटा सा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो बस अभी कल बारिश हुई है तो अब थोड़ी सी ठंड भी ज़्यादा है, चलो बस जा रहा हूँ स्पेशली, वरना आज मोटो ब्लॉग ना करना होता तो मैं आज कार पे जाना था स्कूल, बट मोटो ब्लॉग के चक्कर में बस मैं आज बाइक पे आ गया। और इतनी ठंड है ना आज, बहुत सर्दी लग रही है।
बहुत सर्दी है यार आज। मैंने सिर्फ ना एक मिनट के लिए अपना यह गला उतारा और ये हाथ बिल्कुल सुन्न हो गया। बहुत ही ज़्यादा सर्दी है आज। चलो कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता ही है ना मोटो ब्लॉग के लिए। बाइक पे आने के बहुत फ़ायदे हैं यार। जैसे अगर मुझे कार पे आता तो मैं इधर से जाता, पर अभी मैं सीधा नीचे से चला जाऊंगा बाजार के बीच में से बाइक पे। इधर कार यार आ तो जाती है, अभी के टाइम आ जाएगी क्योंकि अभी रश कम है, पर जब मैं वापस जाता हूँ ना तो यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता है ना, पूछो ही मत। वापसी टाइम आपको दिखाऊँगा इस बाज़ार में कितना ज़्यादा रश होता है। अभी देखो ये सारा बाज़ार बिल्कुल खाली है, सारी शॉप्स बंद है, कोई कोई शॉप ही खुली है। ओ देखो हमारा फ्लैग दिख रहा है, तो इतना शॉर्टकट हो जाता है बाजार में से आने का। अगर मैं कार पे होता तो तब भी इधर से ही निकलता, और आज मैं बाइक पे हूँ तब भी इधर से ही निकल रहा हूँ। तो चलो बस अभी मैं सीधा स्कूल ही पहुँचता हूँ, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, तो बाकी का व्लॉग मैं वापसी टाइम करता हूँ। तो चलो अभी मैं आपको सीधा वापसी टाइम मिलता हूँ। ये देखो बच्चे शरारते करते थे, तो गुड मॉर्निंग बोल रहे थे मुझे। आगे सारे ठीक है, की होंदा है पता कैमरे नु इनु की कहंदे है, गोप्रो की कहंदे है। अगे तो जे तुसी कहे दे एवें दा लगे वेखोगे ते की कहोगे ये की है। हां गोप्रो दी स्पेलिंग होंदे है GOGOPRO। ठीक है समय लग गई, कादे वास्ते काम हुंदा पता है? चक लो की दूजा भी चक लो, चलिए के रुक जाइए दो मिनट, टाइम तो होना लगी है। चलो फिर चलो बाय बाय सारे। सो हेलो गाइस वेलकम बैक। तो मुझे छुट्टी हो गई है और मैं वापस घर जा रहा हूँ, और अभी टाइम हो गया है 2:45 के करीब हो गया है, 2:45 हो गए हैं, तो अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ। और अभी अभी एक मुझे बैड न्यूज़ आई है। बैड न्यूज़ ये आई है कि शायद हमारा जो मसूरी का प्लान है वो कैंसिल हो सकता है, और मे भी पोस्टपोन हो सकता है, कैंसिल तो नहीं मे भी पोस्टपोन भी हो सकता है। मेरा पोस्टपोन हो सकता है, शायद रजत तो जाएगा ही, मैंने रजत के साथ जाना था, रजत तो जाएगा ही। मेरा इसलिए पोस्टपोन हो सकता है क्योंकि उसी दिन 5 तारीख संडे को ना एग्ज़ाम है मेरा। हमने क्या प्लान बनाया था कि संडे जाएंगे और मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे की होली है, तो हम वेडनेसडे वापस आ जाएंगे, 4 दिन के लिए हमने जाना था। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि मेरा वो प्लान कैंसिल होगा। रजत में भी जाएगा और मे बी नॉट, मुझे उसका तो श्योर नहीं है, बट मेरा मुझे लग रहा है कैंसिल होगा। वैसे एक आइडिया हो रहा है मेरे पास, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं एग्ज़ाम दे के, हम क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चंडीगढ़ ही आया है, कि हम शायद एग्ज़ाम दे के भी आगे जा सकते हैं। अभी यार ना कुछ फाइनल नहीं है, देखते हैं जैसा भी होगा बता देंगे, कच्चा पक्का सा है अभी। चलो जैसे भी होगा यार देख लेंगे। चलो सुबह देखो ये सारी रोड खाली थी, पर अभी देखो यहाँ पर जाम लगा हुआ है। सुबह मुझे 2-3 मिनट लगे सारी रोड को क्रॉस करने में, पर अभी 20-25 मिनट लगेंगे। देखो कितना ज़्यादा रश है यहाँ पर। तो चलो यार मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि GoPro की बैटरी ख़त्म होने वाली है। सुबह भी मैं बस 50% पे ही ले आया था इसे। होप सो अभी मेरी 1-2 मिनट की वीडियो बनी गई होगी, तो आपको पता चल ही गया होगा, इतने में तो आपको पता चल ही जाएगा कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है और आपको कैसे कैसे माउंट करना है अपना माइक वगैरह सारा, और कैमरा एंगल भी आपको कैसे देखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और मिलते हैं चलो ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।